नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में और कार्तिक पूरे मास में हम कार्तिक मास की महत्ता का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास की महत्ता का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जब अंत समय आता है तब उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्वामी नारायण के चरणों में मनुष्य को स्थान की प्राप्ति होती है। चाहे मनुष्य ने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, फिर भी भगवान नारायण उस व्यक्ति को अपने चरण में स्थान देते हैं जो कार्तिक मास की महत्ता का पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करता है। आज से हम कार्तिक मास की महत्ता का श्रवण करेंगे और यह एक महीने तक यानी कि संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान यह चलने वाला है। प्रत्येक दिन आपको कार्तिक मास के अलग अलग अध्याय का श्रवण करने को मिलेगा, अलग अलग अध्याय सुनने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं माँ सरस्वती का ध्यान करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह उत्तम क्षण प्रदान किया मेरी जिह्वा पर बैठकर आपके कानों में अमृत रस खोलने का सुख मुझे प्रदान किया है, उस महादेवी का मैं ध्यान करके उन्हें बारंबार नमस्कार करती हूँ। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सौनादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जब अंत समय आता है तब वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर के देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात पत्नी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ, मुझ जैसी त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी, आपकी परम प्रिय प्रियसी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी अन्यत्र स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकी नाथ, हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की जिज्ञासु हूँ, एक कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित तो हो, मेरी जिज्ञासा शांत हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो पाए। सूत जी आगे कहते हैं, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनते ही भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं ठहरने को कहा। यह कहते हुए अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और मंद मुस्कान के साथ बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी लगती हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी युद्ध किया था, उनका विरोध मैंने सहन किया था। हे प्रिय, जो बात तुमने मुझसे आज पूछी है उसका जवाब जरूर सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष की मांग की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घनघोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट कट कर गिरने लगे, जिससे तीन वस्तुएं उत्पन्न हुई। वह तीन उत्तम वस्तुएं का तुम भी जरूर श्रवण करो, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदिकन उत्पन्न हुआ। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके तीन पंख टूट कर गिर गए।
इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी का निर्माण हुआ। अतः हे प्रिय, हे प्राणों से भी प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनते ही सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, जप, तप, व्रत नहीं किए हैं, मेरा आचरण, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रियसी, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत होने को थी, मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा करता, हवन, जप, तप और भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान ही था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का भरण पोषण लालन पालन बहुत ही उचित तौर तरीके से किया। उचित समय आने पर अपने ही शिष्य चंद्र नामक एक शिष्य के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। उस चंद्र को अपने वह पुत्र के समान ही मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान भली भांति उसे सम्मान देता और पिता के सौजन्य से ही वह उसे देखता था। एक दिन वे दोनों वह समिधा लेने के लिए वन को गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखलाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहां से भागने में भी अपने आप को असमर्थ जान पड़े। डर से उनके अंग अंग कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत ही असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे। उसी क्षण काल के समान उन राक्षस ने दोनों को मृत्यु के घाट उतार डाला। लेकिन वे धर्मात्मा थे, पुण्य कर्मों को करते थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। आजीवन उन दोनों ने शुभ कार्यों को किया था और सूर्य भगवान की पूजा किए जाने पर मैं दोनों पर अति प्रसन्न भी था। भगवान श्री गणेश, शिव जी, सूर्य वो देवी माँ, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा दान इत्यादि करने वाले को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होता। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए ओजस्वी मेरे भवन में आए तो वे दोनों दिव्य भोगों को भोगने वाले लगे। दोस्तों, इस प्रकार से कार्तिक मास के पहले अध्याय का यहीं पर समापन होता है। कल के वीडियो में हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसकी श्रवण मात्र से ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है, भगवान श्री नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस महात्म्य के द्वारा कौन सा पुण्य करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और भगवान श्री नारायण अपने बैकुंठ धाम में उस व्यक्ति को सदैव स्थान देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।